जय श्री कृष्ण। मैं उर्मी बागड़िया परफेक्ट कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाएंगे हम स्टफ़ चीज़ गार्लिक ब्रेड। स्टफ़ चीज़ गार्लिक ब्रेड सब लोग खाना पसंद करते हैं और बहुत सरल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं स्टफ़ चीज़ गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए चाहिए हमको 2 कप मैदा, यानी 250 ग्राम मैदा, 125 ml पानी, 1.5 टीस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून शक्कर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ओरेगेनो, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग के लिए लेंगे हम 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 100 ग्राम किसा हुआ चीज़, 80 ग्राम बटर, 1 टीस्पून बेसिल बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, चिली फ्लेक्स, ओरेगेनो। गार्लिक ब्रेड की ब्रेड का आटा लगाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 टेबलस्पून शक्कर, 1/2 टीस्पून ईस्ट, 1/4 टीस्पून मैदा और हल्का गरम पानी। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ईस्ट को एक्टिव होने के लिए 5 मिनट ढक के रख देंगे। हमने 5 मिनट रखा था ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए। अच्छे बबल्स आ गए हैं, राइज हो गया है। यदि आपका ईस्ट राइज नहीं होता है तो आप यहीं पे प्रोसेस रोक दीजिए गार्लिक ब्रेड की और दूसरा ईस्ट लीजिए, नहीं तो आपकी गार्लिक ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। अब हम गार्लिक ब्रेड का आटा लगाएंगे। 250 ग्राम मैदे में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ओरेगेनो, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे ईस्ट, ml का बचा हुआ कुनकुना पानी, 1/2 हमारा अच्छे से कंबाइन हो गया है। हमने 2 टेबलस्पून पानी इसमें बढ़ाया था 125 ml के बाद। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल। आटा आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। अब हम इसको 10 मिनट तक आटे को हाथ से गूंथेंगे या फिर आप स्टैंड बीटर से, हैंड बीटर से
या फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। कंजूसी नहीं करें, 10 मिनट तक अच्छे से आटे को आप गूंथिए। बीटर से करते हैं तो जल्दी हो जाता है, हाथ से हम करते हैं तो 10 मिनट तक हमको करना है। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हम, जिससे आटा हमारे हाथ में चिपके नहीं। हमने अच्छे से गोला बना लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे बाउल में और आटे को हम आधे से एक घंटे तक रख देंगे। हम क्लीन फ्लेम लगा रहे हैं, आप गीला कपड़ा भी ढक सकते हैं, आटा डबल हो जाए तब तक हम इसको रखेंगे। गार्लिक ब्रेड का डो हमारा राइस हो रहा है, जब तक हम गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक बारीक कटा हुआ प्याज, आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 100 ग्राम किसा हुआ चीज, सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गार्लिक बटर बनाएंगे। गार्लिक बटर बनाने के लिए 80 ग्राम हमने बटर लिया है, एक टेबलस्पून हम गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून हम बेसिल लेंगे बारीक कटी हुई फ्रेश। यदि आपके पास फ्रेश बेसिल नहीं हो तो आप ड्राई बेसिल या मिक्स हब भी ले सकते हैं। दोनों नहीं हो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गार्लिक ब्रेड का आटा हमारा अच्छा राइज हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। अब हम इसकी गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। थोड़ा सा हमने मैदा डाला है जिससे हमारा आटा चिपके नहीं। अब हम इसके 4 हिस्से करेंगे, 4 गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। इसके गोले बना के, चारों के हम गोले बना लेंगे। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमने 4 गोले स्मूथ बना लिए हैं और थोड़ा नीचे मैदा डाला है जिससे हमारे गोले चिपके नहीं। अब हम इसको ढक के 10 मिनट रख देंगे। हमने कपड़ा गीला किया है जिससे हमारा आटा सूखे नहीं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। प्लेट में हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, मक्की का आटा, रवा भी डाल सकते हैं।
थोड़ा सा मक्की का आटा भी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर कलर आएगा बेक होने के बाद। गार्लिक ब्रेड का एक दो ले लेंगे हम। अब हम बटर मिक्सचर लगाएंगे। अब हम हमारी स्टफिंग रखेंगे। थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे जिससे हमारी गार्लिक ब्रेड अच्छे से चिपक जाए। चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे। फोल्ड कर लेंगे हम और बॉर्डर से थोड़ा दबा देंगे हम। नाइफ से हल्के हल्के कट लगाइए, नीचे तक नहीं लगाना है। अब हम ग्रीस करी हुई बटर लगाया है हमने प्लेट में और हमारी गार्लिक ब्रेड को रख देंगे। ऊपर से भी हम अच्छे से बटर लगाएंगे। ओ, चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो डालेंगे। अब हम एक बिना स्टफिंग की बना लेते हैं। बटर मिक्सचर लगाइए। चिली फ्लेक्स ओरेगेनो डालिए अच्छे से। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। स्टफिंग नहीं है तो ज़्यादा दबाने की आवश्यकता नहीं है। चाकू से थोड़े से कट लगा दीजिए। अब हम बेकिंग डिश में रखेंगे। और ऊपर से बटर लगा देंगे, थोड़े चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और थोड़ा ओरेगेनो डाल दीजिए। अब हम माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 220 टेम्परेचर पे प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट के लिए रखेंगे। आप कुकर में भी रख सकते हैं, जैसे हम केक रखते हैं वैसे नमक डाल के, और ओटीजी में भी आप 220 टेम्परेचर पे रख सकते हैं। 15 मिनट हम इसको बेक करेंगे। 15 मिनट के लिए हम 220 टेम्परेचर पे बेक होने के लिए रख देंगे। गार्लिक ब्रेड हमारी बेक हो गई है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, खूब अच्छी फूली है। चीज़ गार्लिक ब्रेड हमारी बन गई है। ये प्लेन चीज़ गार्लिक ब्रेड है और ये स्टफ चीज़ गार्लिक ब्रेड है। दोनों बहुत ही सुंदर दिख रही है। इसको आज हम चीज़ डिप के साथ सर्व कर रहे हैं। चीज़ डिप की रेसिपी हमने हमारी चैनल पे डाली है, ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। तो आप ज़रूर बनाइए गार्लिक ब्रेड के साथ चीज़ डिप, बहुत ही टेस्टी लगता है।
हमारी स्टफ्ड चीज़ गार्लिक ब्रेड बहुत ही अच्छी बनी है। इसको चीज़ डिप के साथ आप घर पे ज़रूर बनाइए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी अगली रेसिपी तुरंत मिल जाए।